जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है, वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहाँ से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। अब यहां देखिएगा 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों, सकाम सुकुम कुछ नहीं है, तेना अपने आप बढ़ा रखे। तीनों वेदों में विधान किए हुए और सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 में वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म आश्रय लेने वाले भोगों के कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। 22 में कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, यानी उनकी भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ। बस आगे फिर 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम सुकुमनी जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। अब हम 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर ये 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक साधना करते। अब 16वें अध्याय का 24 में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है, शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही करने योग्य है, करनी चाहिए। अब 17वां अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने, अब 17वां अध्याय है और प्रथम श्लोक में, हे कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण मान रहा था अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अर्थात राजसी है या तामसी? 17वें के दूसरे में कहा है, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की ही होती है, उसको मुझसे सुन। अब तीसरे में कहा है, हे बार, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है,
यानी पहले जन्म में जिसे उन्हें साधना कर रखी वह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं भी वैसा ही है, स्वयं भी है, वही है। अब देखो अन्यो कहे ये अच्छी आत्मा सात्विक अच्छे विचारों के व्यक्ति तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। सत्रहवें का चौथा सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। ये सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की पूजा करते हैं, और राजस व्यक्ति जो है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं कि जब बकरे काटते हैं कि जब भैंसा काट कर चढ़ावें सौ फंड करते हैं कि दारू चढ़ावें, और अन्य तामस मनुष्य जो हैं वे प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं अपने आत्माओं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, शास्त्र विधि ताकत जो भी साधनाएं कर रहे हैं तप करते, दम और अहंकार से युक्त कामना आसक्त और बल के अभिमान से युक्त हैं, वो नरे अहंकारी और विनाशक हैं। अब पांचवा पढ़ दिया छठे में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ को भी ये क्रस करने वाले हैं उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। अब पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं आज मानो कोई बालक नहीं रहा, अज्ञानी नहीं है, हवाई जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, इंटरनेट बना लिए। अब इस अध्यात्म ज्ञान को अपने सदग्रंथों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इन मूर्खों ने जो आज तक हमारा जीवन नष्ट किया इनको पहचान कर इनसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यह गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, और इन नकली आचार्यों से, इन तत्व ज्ञानहीन आचार्यों से कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं अपने ही बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा, उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर, इन ना गीता का ज्ञान ना इन पुराणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं।